राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। अगर आप लोग के बीच में कोई पर स्त्री, कोई पराई नारी आ गई है, आपके पति का किसी से कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, कुछ चक्कर जैसा चल रहा है, और आप इससे काफी व्यथित हैं, परेशान हैं, तो यहां पर मैं जो उपाय लेकर के आया हूं, इस उपाय से आप अपने पति की प्रेमिका से उसका पीछा छोड़ा देंगे। अन्यत्र संबंधों का जाल बड़ा खतरनाक होता है। ये रिश्ते जुड़ते तो हैं मगर आसानी से टूट नहीं पाते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हैं। कुछ प्रयोग तो बहुत ही कठिन होते हैं, कुछ तो बहुत ही आसान होते हैं। यहां पर मैं कुछ आसान ही प्रयोग आप लोग को देने जा रहा हूं। इस प्रयोग को आप बिस्तर पर ही, जब आपकी नींद टूटती है सुबह सुबह, तो इसको थोड़ा बहुत जप करना है, लगातार कुछ दिन तक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपका खोया प्रेम पुनः वापस लौट आएगा, आप लोग के बीच की दूरियां खत्म हो जाएगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न हो जाएगी। जो बात बात पे मनमुटाव चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो क्लेश का, जो क्राइसिस का माहौल बना हुआ था, वह सब ठीक हो जाएगा और आपके जीवन में माधुर्यता पुनः वापस लौट आ जाएगी। आप लोग के जीवन में आनंद ही आनंद होगा। बहुत ही सरलतम प्रयोग है, और जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अपनी एनर्जी को भली भांत रीड कर लें। आपकी एनर्जी अच्छे लेवल पे है, उच्चतम शिखरों पर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कोई भी प्रयोग करेंगे आपको तुरंत ही सफलता मिल जाती है। मगर यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो रिश्ते तो आपके दूर होते ही हैं, आपके जीवन में संघर्ष तो होता ही है, मगर इसी प्रयोग में आपको आसानी से सफलता भी नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपने भीतर के वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने जगह पर बैठे बैठे ही सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेकर के आया हूँ उसको श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करके देखिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, मगर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है, तत्पश्चात अपने अध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके अध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश ना हो, मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं जो मंत्र दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, देखें और समझें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम काम्या पति वासे मान्यः तात वसी करे मम पति मोरे मम हृदय देवा। पुनः सुन लें, ओम काम्या पति वासे मान्यः तात वसी करे मम पति मोरे मम हृदय देवा। जो मंत्र है इसको बिस्तर छोड़ने से पहले 21 दिनों तक नियमित रूप से आपको जप करना है। अगर संभव हो तो मंत्र का तब जप करें जब पति आपकी तरफ से
मुख किए हुए सो रहा हो। लेकिन एक बात आपको और भी ध्यान देना है कि पति को इसकी जानकारी ना हो, गुप्त रूप से आपको ये काम करना है। आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, मंत्र को याद कर लीजिएगा और इसका कम से कम एक माला, एक या दो मिनट लगता है, आसानी से आप कर सकते हैं। मन में ही इसका जाप करना है। इस प्रयोग को करने के बाद देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार हो जाए। मैंने यहाँ भलीभांत समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश ना हो, अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन कर सकता हूँ, पढ़ने पर अपनी भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम, राम।